साल के पहले कारोबारी दिन हरे निशान में बाजार। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से संभल कर 18,197 के पार बंद। सेंसेक्स में भी 327 अंक चढ़कर 61,168 पर बंद। निफ्टी बैंक में भी दिखी 217 अंकों की तेजी। अगले वित्तीय वर्ष में IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। हमसे खास बातचीत में दीपम सचिव तुहिनकांत पांडे ने कहा, जमीन के डिमर्जर के बाद BEML SEI की बिडिंग की प्रक्रिया होगी शुरू। ऑनलाइन गेमिंग के मामलों में दिखेगा IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके बनाया नोडल मंत्रालय। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के दूसरे फेज में हो सकता है इलेक्ट्रोलाइजर इंसेंटिव स्कीम का ऐलान। बजट में वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए आ सकती है 20,000 करोड़ की स्कीम। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच ने बहुमत से लगाई 2016 के नोटबंदी के फैसले पर मुहर। कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को किया खारिज, हालांकि एक जज ने जताई फैसले से असहमति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और RBI के बीच हुआ था शराब मशविरा, सरकार ने नीतिगत मामलों में कोर्ट का दखल देना नहीं है ठीक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ आतंकी हमला। राजौरी के ढांगरी में IED ब्लास्ट, एक की मौत, 6 घायल। राजौरी धमाके में एक बच्चा भी घायल। टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में आक्रोश। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रविवार रात आतंकवादियों ने फायरिंग करके 4 नागरिकों की हत्या की थी। आतंकी हमले में 6 लोग हुए थे घायल। आतंकवादियों ने एक खास समुदाय के लोगों के घरों को बनाया निशाना। राजौरी अटैक के बाद मृतकों के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल। घर में छाया मातम। राजौरी अटैक के बाद लोगों ने कहा, उनके परिवार को आंखों के सामने मारा गया। उन्हें और बच्चों को कमरे में बंद किया गया। चश्मदीद रीता देवी ने बताया, राइफलधारी आतंकवादियों ने आधार कार्ड मांगे और लोगों के नाम पूछ पूछ कर मारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का राजौरी के आतंकी हमले पर बयान, कहा वारदात को अंजाम देने वाले एक भी आतंकी को नहीं बख्शा जाएगा। घटना में मारे गए नागरिकों के परिजनों को दिया जाएगा 10,00,000 रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राजौरी अटैक की निंदा की, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग खड़ा किया जा रहा है, गृह मंत्रालय को निकालना चाहिए इसका रास्ता। पंजाब के गुरदासपुर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। BSF जवानों ने 20 राउंड फायर कर भगाया, जारी है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के कंजावाला कांड की नई तस्वीर आई सामने। बुरी तरह रगड़ गया लड़की के शरीर का पिछला हिस्सा, कमर के की कई हड्डियां टूटी। दिल्ली कांड में पकड़े गए सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली के कंजावाला कांड पर नया खुलासा, आरोपियों का कबूलनामा, स्कूटी के बारे में आरोपियों को जानकारी थी। एक्सीडेंट के बाद जानबूझकर गाड़ी लेकर भाग गए आरोपी, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी। FIR में IPC की धारा 304 जोड़ा गया। कंजावाला कांड के आरोपियों की तस्वीर आई सामने, पुलिस ने जारी की 5 आरोपियों की फोटो। दिल्ली कंजावाला कांड का नया CCTV फुटेज आया सामने। वीडियो में U-turn लेती दिखी आरोपियों की कार। दिल्ली के कंजावाला केस में सामने आया चश्मदीद, पुलिस को दी थी कार से लटकती लाश की जानकारी। पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया। कंजावाला मामले में CM केजरीवाल ने बताया बेहद शर्मनाक, कहा दोषियों को दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा।
गंजावाला हादसे में मारी गई लड़की के परिजनों ने जताई जांच में अनदेखी की आशंका। सही जांच की मांग। अपने घर के आय की इकलौती जरिया थी मृतिका। दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राकेश बिरला की गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद गुस्से में दिल्ली की जनता। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने जारी किया बयान। कहा 30 जनवरी को होगी खत्म। श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराएंगे राहुल गांधी। जयराम रमेश ने कांग्रेस को बताया बीजेपी का एकमात्र विकल्प। विपक्ष को साफ मैसेज। कहा यह मुमकिन नहीं कि सिर्फ 200 सीटों पर लड़े कांग्रेस। कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने की हर्ष फायरिंग। भरे मन से चलाई गोली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार। चंडीगढ़ पुलिस आज कर सकती है पूछताछ। संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोप पर बोले अनिल विज। कहा सीएम और पूर्व मंत्री से करेंगे बात। कहा इंसाफ दिलाना हमारा काम। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में फिलहाल सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। नए साल के पहले हफ्ते घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में होकर रहेगा आधा देश। पंजाब में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल। स्कूली शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी जानकारी। 8 जनवरी तक बढ़ाई गई सर्दियों की छुट्टियां। वाराणसी में ठंड का कहर जारी। 4 जनवरी तक बंद किए गए 8वीं तक के सभी स्कूल। लखनऊ में ठंड को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। डीएम ने 1 से 8 तक की कक्षा की टाइमिंग बदलने के दिए निर्देश। सफर के रिसर्च में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुई राजधानी दिल्ली की हवा। AQI 229 दर्ज। मुंबई पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स। एक अफ्रीकन महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के गोल्ड कोस्ट शहर में 2 हेलीकॉप्टर्स में टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में चरम पर है बेरोजगारी। 1600 पदों की भर्ती के लिए उमड़ी लाखों की भीड़। भरा पूरा स्टेडियम। पाकिस्तान के कराची में हर्ष फायरिंग घटना में बच्चों और महिलाओं समेत 37 लोग जख्मी। नए साल पर अलग अलग इलाकों में हुई फायरिंग की घटनाएं। नए साल में धमाकों से दहला पूरा यूक्रेन। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर तोपों से किए कई अटैक। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई इलाकों पर किया अटैक। देर रात बम वर्षा कर तबाह किए कई शहर। एक के बाद एक लगातार अटैक से दहला यूक्रेन। रूस के गार्ड ब्रिगेड सैनिकों ने यूक्रेन पर अटैक का जारी किया वीडियो। साल के पहले दिन रूसी सैनिक के अटैक का खतरनाक वीडियो आया सामने। लगातार ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करते देखे सैनिक। रूसी घुसपैठियों पर यूक्रेन सेना का अटैक। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हिमराज से रूसी सैनिकों के ठिकानों पर स्ट्राइक। जपोरजिया में रूस का गाइस्ट्रिंग तोप से हमला। यूक्रेन तोप खाना पूरी तरह तबाह। सामने आया वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर कीव के मेयर ने लगाया आरोप। कहा युद्ध के लिए रहने के लिए पहले से कहा था। हमेशा सरकार ने हमेशा किया नजरअंदाज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पुतिन को लेकर बयान। कहा अपनी आखिरी सांस तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं पुतिन, इसीलिए करवाया युद्ध। एंटी क्रूज मिसाइल से एक्सरसाइज करते दिखे ईरान के सैनिक। फाइटर जेट से अटैक कर ठिकानों को उड़ाने का वीडियो आया सामने। युद्ध अभ्यास में समंदर के बीच ईरानी सैनिकों का एक्सरसाइज करने का वीडियो आया सामने। समंदर में चलते जहाज में उतारा फाइटर जेट। ईरानी
सैनिकों के युद्ध अभ्यास का नया वीडियो आया सामने। फाइटर हेलीकॉप्टर से अभ्यास करते दिखे सैनिक। G20 फाइटर जेट से अभ्यास करते दिखे चीनी सैनिक। 2126 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से उड़ान भर सकता है G20। उत्तर कोरिया ने नए साल पर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। 400 किलोमीटर तक वार कर सकती है मिसाइल। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री की उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग को चेतावनी। कहा कि किसी भी परमाणु बम का इस्तेमाल होने पर किम का शासन हो जाएगा खत्म।